नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने MI A3 फोन में जब आप MI UI 12 को इंस्टॉल कर लेंगे तो आज के इस वीडियो में डिस्प्ले ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन होता है उसकी फुल डिटेल इस वीडियो में जान पाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीखते हैं बहुत कुछ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर, और जब सेटिंग हम ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे हम जब टैप करते हैं तो यहाँ सबसे पहले ऊपर आता है ऑलवेज ऑन करने का, ऑन करने का डिस्प्ले। इसको जैसे ही आप ऑन करते हैं तो ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आपको शेड्यूल टाइम आ रहा होगा, शो टाइम शो कर रहा होगा। यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप कब से कब तक रखना चाहते हैं। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है। इससे क्या होता है, जैसे कि आप चाहते हैं कि आप दिन के टाइम में ऑलवेज ऑन रखना चाहें, ऑफिस के अंदर होते हैं तो टाइम वगैरह दिखता रहे और स्क्रीन पर जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो दिखता रहे तो दिन में लगाएं, या फिर रात को जाते हैं सोते समय वो हमारे पास टाइम या बॉस आती रहे और उसको हम यूज़ कर पाए रात में, तो उसको लगा सकते हैं। तो शेड्यूल के हिसाब से लगा सकते हैं। उसमें जब हम थीम पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की थीम देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको मिल जाती है क्लॉक, मिल जाती है अलग अलग तरह की डिज़ाइन वाइज क्लॉक भी लगा सकते हैं। तो जैसे हम वॉच पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की वॉच फेस मिल जाते हैं, और इस तरीके से आप वॉच फेस को यूज़ कर पाएंगे क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं फ़ोन पर लगने के बाद। तो वो सब आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नीचे की तरफ भी और भी तरीके के यहाँ पे कुछ एनिमेशन दिए गए हैं, उनका यूज़ भी आप कर सकते हैं जैसे अपनी इच्छा के अनुसार। साथ में आप यहाँ पे जो डिजिटल वॉच का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिजिटल वॉच का वॉच फेस भी मिल जाएगा। तो जैसे हम इसको बैक कर देते हैं और देखिए यहाँ पे डिजिटल वॉच का आप बहुत सारी डिजिटल वॉच किस तरीके से लगा सकते हैं, सर तो कर रही हैं अलग अलग तरीके की डिज़ाइन है, यहाँ पर उन डिज़ाइन को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और अलग तरह के एनिमेशन है जो इस तरीके से दिखाई देते हैं, इनका भी आप यूज़ कर पाएंगे अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, उन सबका आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद आप नीचे ऑप्शन पर चलते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो आप नोटिफिकेशन आते हैं किस तरह की स्क्रीन आई आपके सामने, तो आप इन सब चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा लगता है जब आपका कोई नोटिफिकेशन आता है आपके मोबाइल पर। तो इसके बाद हम अगली जो सेटअप है उसके ऊपर चलते हैं, तो वहाँ आपको शो कराते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या और ऑप्शन मिलने वाले हैं। जैसे कि आप जब यहाँ पे यूज़ ऐप आइकन भी ऑन कर सकते हैं, और स्लीप का टाइम भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। साथ में आप रेस टू वॉक, ये रेस टू वॉक बहुत ही कमाल का फीचर है। जैसे कि आपका फ़ोन टेबल पर रखा हुआ है और आप फ़ोन जैसे ही उठाएंगे आपका फ़ोन पावर शो करने लगेगा, मतलब लाइट जल जाएगी फ़ोन में, और हमने डिस्प्ले पर फेस लॉक लगा रखा है तो अपने आप ही फेस लॉक भी अनलॉक हो जाएगा। ये बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। डबल टैप टू स्लीप भी ये अच्छा फीचर है, जैसे कि स्क्रीन पर आप डबल टैप करते हैं तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। पावर मेन्यू एक्सेस भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर क्विक सेटिंग एक्सेस भी आप इसका इनेबल करके इसको भी आप यूज़ कर पाएंगे। साथ में बात करें यहाँ पे अगली फीचर की, तो यहाँ पे आता है वॉलपेपर कंसोल निकल के आ जाता है। वॉलपेपर कंसोल पे हम जब टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉलपेपर ऑन करने का ऑप्शन। यहाँ पे ऑन कर देते हैं तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को लॉक करेंगे, जितने बार भी लॉक करेंगे वॉलपेपर आपका बार बार निकल के नया वॉलपेपर आएगा। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। क्लॉक वाइज जो लॉक स्क्रीन पर क्लॉक होती है उसका डिज़ाइन भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज एनिमेशन जो जो लेफ्ट साइड से जो साइड पैनल होते हैं शॉर्टकट, उनको आप यहां से अरेंज कर सकते हैं या फिर ऐड अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप जो आप चाहते हैं वो। अगली बात करें नीचे तो यहां पे लॉन्चिंग कैमरा भी दिया गया है। हाँ, यहां पे आपको जो मिल जाता है चार्जिंग पर जब फ़ोन लगाते हैं कौन सा एनिमेशन चाहिए वो यहां से आप चेंज कर पाएंगे। पॉकेट मोड ऑन करने पे आप बहुत ही कमाल का फीचर है, ये आप पॉकेट में फ़ोन रखते हैं तो कई बार डिस्प्ले ऑन हो जाती है तो वहाँ पर किसी को कॉल लग जाता है तो वो नहीं लगेगा। तो पॉकेट जो मोड है वो हमेशा ऑन करके रखना चाहिए जो कि आपको सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसके अलावा हम बात करें पावर सेटिंग की, पासवर्ड सिक्योरिटी सेटिंग की, तो ये अब जब टैप करते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट, लॉक स्क्रीन, फेस लॉक, या ब्लूटूथ की वजह से भी आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी आपको कमाल से फीचर मिल जाते हैं। तो ये जो पासवर्ड सिक्योरिटी का ऑप्शन है यहाँ, एक तो इसके अंदर भी मिल जाता है और अलग से आप और दूसरे ऑप्शन पर भी मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी ये बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पता चल सकें। तो अगली बात करें हम अगर हम फीचर्स की, तो यहाँ पे आप और भी
बहुत सारे फीचर्स निकल के आते हैं, क्योंकि MIUI 12 के अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो जब हम बात कर रहे थे पासवर्ड और सिक्योरिटी की, पासवर्ड सिक्योरिटी में जब जाते हैं तो हम यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है कमाल का, प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड। इसको हम जब ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऑप्शन आता है। जैसे कि आप कोई भी अपने बैंक से रिलेटेड चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आपके फ़ोन का सेम ही पासवर्ड लेता है, बट यहाँ पर आप वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप वो चेंज करेंगे तो फ़ोन का जो पासवर्ड होगा वो अलग रहेगा और आप इसका पासवर्ड आप अपने हिसाब से अलग रख सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है जो कि आपको बहुत ही काम आएगा और आपको इसको यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।